हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपसे बात करेंगे बजट 2021 और 22 की। आज हम इसका कुछ जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो मैं आज अभी पहला पार्ट वन इसका आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आज केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नए दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यह दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पूर्ण पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले किसानों की आय दुगनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास इत्यादि का संकल्प मजबूत होगा। इसके अलावा त्वरित कार्यान्वयन के पथ पर बजट 2015-16 के वे 13 वादे भी हैं, जिन्हें देश की आज़ादी के 75वें वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी वादे भी आत्मनिर्भरता के इस विजन के रूप अनुरूप हैं। वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित है, जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, खुशहाली एवं स्वास्थ्य। नंबर 2, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। नंबर 3, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। नंबर 4, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। नंबर 5, नवाचार और अनुसंधान व विकास। और नंबर 6, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ स्वास्थ्य एवं खुशहाली। स्वास्थ्य एवं खुशहाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, और वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपये का है, जबकि इस साल का बजट अनुमान 94,452 करोड़ रुपये का है, जो 137% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे और नए संस्थानों का सृजन होगा, जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज कराने में आसानी होगी। यह राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन में अतिरिक्त होगा। इस योजना के तहत किए जाने वाले मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ए 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी विकास एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी। नंबर 2, बी 11 राज्यों के सभी जिलों और 3,382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। सी 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। नंबर 4, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 नगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। पांचवा है कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। प्रवेश स्थलों अर्थात 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। H1 हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, जैव सुरक्षा स्तर की 9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। टीका। वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान में COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत में तैयार न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो मौजूदा समय में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है, को देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह के जान से बचाना है। फिर है पोषण। पोषण तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषक कार्यक्रम और पोषक अभियान का आपस में विलय कर देगी और मिशन पोषण
2.0 को लॉन्च करेगी। सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी। जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और स्वच्छ भारत मिशन। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,377 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शहरी का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसे 2,87 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 2021-2026 तक के 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इन बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई है। कृपया ध्यान दीजिएगा, जो वाहन चलाते हैं निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके पास अपने प्राइवेट व्हीकल हैं। उसके बाद भौतिक एवं वास्तविक वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर 2.5 अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी। हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बनाने, विशिष्ट क्षमता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत है। इन सभी को हासिल करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करते हुए 13 सेक्टरों में PLI स्कीम की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने अगले 5 वर्षों में वो 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसकी शुरुआत वित्त 2021-22 से होगी। इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा, वैश्विक दिग्गजों का सृजन होगा और देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। वस्त्र। इसी तरह वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स यानी मित्र नामक योजना शुरू की गई है। इससे लगाओ और चलाओ सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज अस्तित्व में आएंगे। 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। देखिए सर, आप सब, कितना इम्पोर्टेंट है कि 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार जो है बहुत ही ज़्यादा और बहुत बहुत लोगों को मिलेगा। फिर है अवसंरचना। वित्त मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP अपनी तरह की पहली और पूरी तरह से सरकारी पहल पर आधारित है। 6,835 परियोजनाओं के साथ NIP की घोषणा की गई थी। इस परियोजना पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें 7,400 परियोजनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अवसंरचना का वित्त पोषण विकास वित्त संस्थान DFI। श्रीमती सीतारमण ने अवसंरचना क्षेत्र पर काफी भरोसा जताते हुए कहा कि अवसंरचना के दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की आवश्यकता है। दरअसल प्रोफेशनल ढंग से प्रबंधित किए जाने वाले विकास वित्त संस्थान की जरूरत है, जो अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। तदनुसार DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। विकास वित्त संस्थान DFI से लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस DFI के लिए 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है। परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। पहले से ही परिचालन में लाई जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नई अवसंरचना के निर्माण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। संभावित मौजूद अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। इस दिशा में हो रही प्रगति एवं करीबी नज़र रखने और निवेशकों को इससे अवगत कराने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGIL के एक एक इन्विट को प्रायोजित किया गया है,
जो विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली 5 चालू सड़कों को NHAI ENVIT को हस्तांतरित किया गया है। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए के मूल्य की पारिषण परिसंपत्तियों को PGCIL ENVIT को हस्तांतरित किया गया है। नंबर 2, रेलवे समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू करने के बाद परिचालन एवं रख रखाव के लिए इसकी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। सी, परिचालन और प्रबंधन संबंधी रियायत के लिए हवाई अड्डों के अगले समूह का मुद्रीकरण किया जाएगा। डी, परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत अमूल में लाई जाने वाली अन्य प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियां ये है। क्या क्या आपको बता दें? नंबर 1, NHAI द्वारा चालू की जा चुकी टोल रूट। नंबर 2, PGIL की पारेषण परिसंपत्तियां। नंबर 3, गेल IOCL NHPCL की तेल व गैस पाइपलाइन। नंबर 4, Tier 2 एवं Tier 3 शहरों में स्थित AFI के हवाई अड्डे। नंबर 5, रेलवे की अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियां। नंबर 6, CPSE जैसे कि केंद्रीय भंडारण निगम, नेफेड इत्यादि आदि की भंडारण संपत्तियों और खेल स्टेडियम। सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों को ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक सरकार 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देगी। इसके तहत ही सरकार 11,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। सड़क अवसंरचना का और भी अधिक विस्तार करने के लिए कई और अधिक कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपए का विस्तारित परिवहन प्रदान किया है, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपए से संबंधित पूंजी के लिए, जो अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे अवसंरचना। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थन बनाने के लिए हमारी नीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित भाड़ा कॉरिडोर DFC और पूर्व DFC जून 2022 तक हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। नंबर 1, यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान कराने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्य परक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम HLV कोच आरंभ किए जाएंगे। नंबर 2, पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे ने उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण होने वाले ट्रेन टकराने की समस्या को समाप्त कर देगी।